है जहां सेक्टर 4 विद्याधर नगर स्थित जाट समाज संस्थान भवन में 15वां युवक युवती परिचय और सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें समाज के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और अन्य विभाग के लोग मौजूद रहे। सम्मेलन में युवक युवतियों ने अपना परिचय दिया, वहीं उपस्थित परिवार के लोग एक दूसरे से मिलते भी नजर आए। संस्थान के अध्यक्ष ताराचंद चौधरी और महासचिव जगमाल सिंह इस दौरान मौजूद रहे, जिन्होंने बताया कि सम्मेलन हर साल 2 बार किया जाता है, जिससे जाट समाज के लोगों को विवाह के लिए अच्छे जोड़े मिल जाते हैं। वहीं सम्मेलन से विवाह में होने वाले फिजूल खर्चे से निजात भी मिलती है। इसमें 200 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और इसमें जितने जोड़े जो बन जाएंगे उनके शादियाँ भी, सामूहिक शादियाँ भी हम यहीं कराएंगे। ये एक हमारी सामाजिक संस्था है, इसमें समाज के लोगों की जितनी सेवा हमसे बन सकती है वो कर रहे हैं। और ये जो ज़मीन बराबर वाली ज़मीन है उसमें ये हमें अभी गवर्नमेंट से मिली है, ग्रामीण परिवेश और ग्रामीण छात्राओं के लिए शिक्षण और आवास के लिए। हम शादियाँ, सामूहिक शादियाँ नहीं कराई हैं, परिचय सम्मेलन कराते हैं। परिचय सम्मेलन कराते हैं उसमें हर साल में हम 2 बार भी करा देते हैं, 1 बार तो कराते ही कराते हैं। उसमें हमारे 40-50 जोड़े हमेशा बनते हैं, वो खुद अपने हिसाब से अपने घर पर शादियाँ करते हैं। सामूहिक शादियाँ अभी हमने अब की बार से जो जितने जोड़े यहाँ बनेंगे वो सामूहिक शादियाँ उनके पेरेंट्स चाहेंगे तो हम यहाँ करवाएंगे, उसका खर्चा भी हमारा जो समाज है वही वहन करेगा। ये सामाजिक कार्यक्रम है और समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए सामूहिक विवाह का जो आयोजन होता है वो एक श्रेष्ठ उदाहरण है और हर समाज में सामंजस्य बैठता है इससे, और लोगों को एक प्रेरणा मिलती है कि सामूहिक विवाह करके फिजूल खर्ची को रोका जाए। जाट समाज इस ओर सदैव अग्रसर है, कुरीतियाँ मिटाने के लिए और हर तरह के प्रयास करने के लिए प्रयासरत है।